नमस्कार दोस्तों, यूपी फ्री टैबलेट और स्मार्टफोन वितरण को लेकर के महा खुशखबरी आ चुकी है। आप सभी को बता दें कि आप चाहे जिस भी जिले के छात्र हो, इस वीडियो को पूरा वाच करिए एक बार जरूर। इस वीडियो को पूरा वाच करिए, आपको इंपॉर्टेंट न्यूज़ देने वाला हूँ जो कि आपके टैबलेट और स्मार्टफोन वितरण से संबंधित है, चाहे आप किस भी जिले के छात्र हो। ठीक है दोस्तों, आप सभी को बता दें कि यहाँ पे फतेहपुर जिले की तरफ से जो खबर आ रही थी, अभी मैं आपको कल यहाँ पे टेलीग्राम पर अपडेट दिया था कि टेलीग्राम पर स्मार्टफोन टैबलेट और स्मार्टफोन वितरण के निर्देश दिए गए थे फतेहपुर में। यहाँ पे ऑफिशियल सूचना आ चुकी है कि यहाँ पे इन सभी छात्रों को, यानी कि देख पा रहे, पहले चरण में राज्य की आईटीआई पॉलिटेक्निक महाविद्यालय को, यानी कि महाविद्यालय का मतलब होता है दोस्तों बीए बीएससी बीकॉम के एमए एमएससी के छात्रों को वितरण किया जाएगा। शनिवार को डीएम अपूर्वा ने विकास भवन सभागार में संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक की थी। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे बताया गया था दोस्तों। लेकिन यहाँ पे इसी तरीके से फतेहपुर आज दोस्तों बड़ी खबर आ चुकी है कि टैबलेट वितरण की तैयारी की समीक्षा की गई, यानी कि यहाँ पे अब टैबलेट वाइज स्मार्टफोन देख पा रहे हो दोस्तों कि यहाँ पे वितरण का निर्णय लिया गया है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे देख पा रहे हो किस जिले में दोस्तों। सबसे पहले यहाँ पे आपको पूरे अपडेट को पढ़ लेनी चाहिए। डीएम अपूर्वा ने बताया कि विकास भवन सभागार में टैबलेट वितरण की तैयारी की समीक्षा की। पहले चरण में राजकीय आईटीआई, राजकीय पॉलिटेक्निक, राजकीय महाविद्यालयों के छात्र छात्राओं को, यानी कि दोस्तों सबसे पहले सरकारी महाविद्यालयों के छात्रों को, यानी कि जितने भी सरकारी सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, चाहे आईटीआई हो सरकारी या पॉलिटेक्निक हो कॉलेज या सरकारी बीए बीएससी का हो दोस्तों, वहाँ पर राजकीय महाविद्यालयों में टैबलेट वाइज स्मार्टफोन का वितरण किया जाएगा। और दूसरे चरण में वित्तविहीन, यानी कि जो आपका प्राइवेट है, जैसे मान लीजिए आपका जो कॉलेज प्राइवेट है, उन सभी में वितरण किया जाएगा। इसके बाद देख पा रहे हो कि बैठक में डीएम ने संबंधित छात्र छात्राओं को डाटा अपलोड से जल्द वेबसाइट पर अपलोड कराया जाए। लाभार्थियों के मोबाइल नंबर, संपर्क, टैबलेट के वितरण की तारीख दी जाएगी। जी हाँ दोस्तों, आपके जब भी, यानी कि अभी डेट अनाउंस नहीं किया गया है, जब भी वितरण किया जाएगा तो आपके मोबाइल नंबर, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर यहाँ पे नोटिस भेजा जाएगा, तो आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। यहाँ पे आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, लाभार्थियों से मोबाइल संपर्क टैबलेट वितरण की तारीख की जाए, सूचना दी जाए, इसकी रिपोर्ट जो है सीडीओ को देना अनिवार्य होगा। बैठक में सीडीओ सत्य प्रकाश, जिला विद्यालय निरीक्षक महेंद्र प्रताप सिंह, प्रधानाचार्य आईटीआई महाविद्यालयों के प्रचार मौजूद रहे। ठीक है, यानी कि जितने भी महाविद्यालय के प्रचारित हैं वहाँ पे सभी मौजूद थे दोस्तों। आप चाहे किसी भी जिले के छात्र हो, आपके मोबाइल नंबर पर टैबलेट व स्मार्टफोन के वितरण की तारीख जो है आपका वहाँ पे सेंड किया जाएगा। तो दोस्तों आप बता दें कि अम्बेडकर नगर जिले की तरफ से भी बड़ी खबर है कि यहाँ पे भी छात्रों को टैबलेट व स्मार्टफोन का वितरण किया गया है। यहाँ पे देख पा रहे हो जिले के कई महाविद्यालयों के टैबलेट वितरण का आयोजन किया गया है शासन की ओर का जो किया गया खान है। ठीक है, तो यहाँ पे आप स्क्रीन पर देख पा रहे होगे दोस्तों, यहाँ पे कई सारे कॉलेज है जहाँ पर टैबलेट व स्मार्टफोन का वितरण किया गया है, जो कि स्क्रीन पर देख पा रहे होगे दोस्तों। इसी तरीके से यहाँ पे देख पा रहे हो नगहरा कटेरी में हुआ टैबलेट वितरण का कार्य जो है दोस्तों। इसी तरीके से मैं टेलीग्राम पर अपडेट देता रहता हूँ, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन।